ये है डिजिटल इंडिया का कमाल। टेलीकॉम की एंड टू एंड जो टेक्नोलॉजी होती है, एंड टू एंड यानी टावर से लेके कोर नेटवर्क, BTS, NMS, IMS, सारी चीजें दुनिया में कितने देशों के पास होगी? चार देश हैं, चाइना जिनकी दो कंपनी से हुआवे और ZTE, कोरिया सैमसंग है उसकी कंपनी, और फिनलैंड और स्वीडन, ये दो है, एरिक्सन और नोकिया उनकी है कंपनीज, राइट। ये केवल चार देश ऐसे हैं जिनके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है। कई समृद्ध देशों ने, नाम नहीं लूंगा मैं, दो दो साल ट्राई किया, तीन तीन साल ट्राई किया, एक देश ने तो 6 साल तक ट्राई किया, जिसमें से आपने नाम लिया था अभी, उस देश ने तो 6 साल ट्राई किया लेकिन नहीं बना पाए। ये मोदी जी ने हम सबके सामने चैलेंज रखा कि हमें केवल मोबाइल फोन बनाने तक सीमित नहीं रहना है, हमें पूरी टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी बनानी है। चालू हुए, कितना मुश्किल था आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आज हम ऐसी परिस्थितियों में आ गए, प्रोडक्ट हमारा बना। जब प्रोडक्ट बना तो पक्की बात है कि हिंदुस्तान से बना है, लोग उसको क्वेश्चन करेंगे कि इतने समृद्ध देश नहीं बना पाए, तुमने क्या बना लिया ऐसा। तो नॉर्मली इसकी टेस्टिंग होती है 1 लाख साइमल्टेनियस कॉल, 1 लाख लोग साथ एक साथ उस पे नेटवर्क पे काम करें, तो नेटवर्क स्टेबल होना चाहिए। हमने इसकी टेस्टिंग की, फर्स्ट टेस्ट किया 10 लाख लोग साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए, एकदम परफेक्ट चला। फिर मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई देखो, ये अपने देश के सम्मान की बात है, और जब बाहर जाएगा ये सामान, बाहर जाएगा ये टेक्नोलॉजी, तब हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमें देना पड़ेगा। 10 लाख टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं है, फिर 50 लाख साइमल्टेनियस कॉल के लिए टेस्ट किया, वो भी एकदम बढ़िया हुआ। फिर हमने कहा नहीं, 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए पूरा इसको नेटवर्क को टेस्ट किया, उसके बाद में लगाना चालू किया, और अभी 4 जिलों में इसका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ है, फील्ड डिप्लॉयमेंट, और अभी दिवाली से, आगामी दिवाली से इसका लार्ज स्केल में डिप्लॉयमेंट चालू होगा पूरे देश में। अगले साल जो BSNL का आप लोगों ने नाम रखा ना, नया नाम हो जाएगा कि भाई भाई साहब, नया लगेगा, अच्छा लगेगा। एकदम नया देखना आप अगले साल की अगली दिवाली में, याद करना कि मोदी जी ने क्या काम किया है, एकदम टोटल नई चीज। 5G का रोल आउट जिन देशों ने 2019 में स्टार्ट किया था, 2019 में, जो नाम आपने लिए, मैं नाम नहीं ले सकता, दायित्व है मेरे पास, तो समृद्ध देश, वो लोग आज 2019 के बाद से अब तक 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख टावर पे है। हम लोग अभी कितने टावर पे हैं? पिछले साल 1 अक्टूबर को चालू किया था, यानी 1 साल हुआ है, 2022 के 1 अक्टूबर को मोदी जी ने लॉन्च किया था। आज अपने 3,64,000 टावर्स, 3,64,000 टावर पे 5G के टावर्स बन चुके हैं। ये तेजी है मोदी जी के काम करने की, ये उनकी स्पीड है। मोदी जी ने अमेरिका गए थे स्टेट विजिट में जून में, तब उन्होंने MOU साइन किया और 90 दिन के अंदर अंदर फिजिकली काम चालू हो गया। तो दोस्तों, ये है आज के भारत की आपके सामने पिक्चर, उभरते हुए ऐसे देश की जिसको आज सारी दुनिया में लोहा माना जा रहा है।